अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जो भी लोग औलाद के लिए जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही, इंग्लिश गोलियां खा रही और स्टेरॉइड्स खा रही, जो भी कर रही कसरत, जब तक अल्लाह राजी नहीं है तब तक औलाद अता नहीं होती। आप कान खोल के सुन लियो, डॉक्टरों के हाथ में कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बार बार अल्लाह की तरफ खींच रहा हूँ, अल्लाह की बड़ाई बयान करके अल्लाह की ताकत आपके सामने जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इतना समझ गए इंशाल्लाह, फिर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त इंशाल्लाह रिजल्ट आते जाएंगे। ये देखिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जो कहाँ से आए, नाम का बहुत मुश्किल है, गांव का नाम जो है, जिनको 5 साल से औलाद नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है, कब से मैं इलाज कर रहा है, 5 महीने मेरे पास, 5 महीने पूरा हुआ था, 5 महीने 5 महीने अल्हम्दुलिल्लाह। 2 महीने में पहले उनकी सेहत के लिए दवा दिया, 3रे महीना में उनके औलाद के लिए दवा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट सक्सेसफुल आया। 5 साल तक उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर हकीमा बहुत जगह गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 5 साल बाद मेरे पास आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3रे महीने में रिजल्ट आ गया। 5वां महीना कंप्लीटेड है, अब 2रा महीना कंप्लीट हो गया, 3रा महीना है, जाके टेस्ट कराए, पॉजिटिव रिजल्ट आया। डॉक्टर से भी मिले, एलोपैथिक डॉक्टर से भी मिले, तो उन्होंने भी बोले अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट, तो मेरे भाई मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं स्वीट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखो पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्वीट्स तो ख़त्म हो गए तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है। अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ ज़रा गौर फरमाओ कि अब जो भी रेमेडीज़ घर पे बैठ के कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको शिफा दे देते। मर्द और औरत दोनों सेहतमंद रहना, सेहतमंद रहना, कोई भी आपके अंदर बीमारी नहीं रहना, ठीक है। पहले अपना इलाज करो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, या तो आप वो इलाज करा लियो पहले, उसके बाद औलाद के लिए ट्राई कर सकते हैं आप। अल्लाह से दुआ मांगो, फिर इंशाल्लाह मैं जो रेमेडीज़ बता रहा हूँ आपको फेसबुक यूट्यूब पे, आप वो चीज़ें कर ले तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाता। नेचुरल एक छोटा लॉजिक बतला तू क्या है प्रोसीजर, आप उसके ऊपर ज़रा ध्यान दो इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह मैं जो है आपको बोलता हूँ औलाद का थोड़ा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह। आइए अभी मेरे भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा ज़ोर से कहाँ से आए आप? हमारा खुशी से बोल नहीं आ रहा कहाँ से? तुरकुंडोना। अच्छा, कब से इलाज करा रहे थे आप? मैं आपके पास 5 महीने से इलाज कर रहे थे, अब 5 महीने से महीना रिजल्ट आ गया क्या क्या करें, मतलब परहेज और रेस्ट जैसा जैसा बोला करेक्ट फॉलो करें, कैसा बोले वैसा फॉलो कर ले। रिजल्ट कितने महीने में आया? 2रा महीना कम्प्लीट हो गया, अब 3रा महीना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और रेमेडीज घर पे बैठ के फॉलो कर ले रहे हैं? जी, सब भी फॉलो कर। क्या क्या फॉलो कर रहे हैं मेरी बहन बोलिए? फाइल के लिए एरंडी का तेल और गर्म पानी, गुनगुना पानी में डाल के पीना, और फिर दूसरा सुबह में कच्चा नींबू दूध में मिलाकर पीना, वो भी फाइल्स के लिए वो भी बेहतर है। और घुटने के दर्द के लिए अलसी मेथी, घर पे सबको कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, बीमारियों का इलाज कर रहे हैं घर पे बैठ के। हाँ, क्योंकि और घुटने के दर्द की फाइल्स की तीन तो पूरे रिजल्ट आ गए। सही रिजल्ट आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है। रेमेडीज से आप तैयार हो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह राजी हो जाते तो ये तरीके की अल्लाह ताला जो है फैसले करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे जो है भाई आए हुए हैं जिनका नाम है, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शालम भाई, जिनको जो है हार्ट का मसला था, सडनली पसीना आ गया, एकदम खाना पानी सब जो है बंद हो गया, नींद सब स्टॉप हो गई, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास गए मिलने के लिए, तो डॉक्टर बोले कि एंजियोग्राम कराना, एंजियोग्राम कराना वगैरह, तो फिर उन्होंने मेरा वीडियो देखे, कहा है मैं वो चीज़ा लो, हमें भी आपका वीडियो देखे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो भी मैं बताया घर पे बैठ के उन्होंने फॉलो कर लिए, सारे तकलीफ़ें दूर हो गए उनके, तो उन्होंने मेरे से मिलने आके हैं। आइए उनसे उन्होंने क्या क्या करें वो पूछेंगे, और वो क्या करें वो आपको भी बतलाता हूँ, हम घर पे बैठ के कर ले सकते हैं। ये देखो चित्रंगी। वीडियो कौन भेजे आपको? आपके पास से चाहिए। हाँ, ये फूला आपको कचरे में मिलते हैं, ये नेमत है अल्लाह के, लेकिन इसमें
हार्ट के वाल्व खुलने का इलाज है। आपके दिल के वाल्व खुलने के लिए एक बेहतरीन इलाज है। कमारा लंटना कर को बोलते रायमुनिया के फूल है। हमारे पास इसको चित्रंगी फूल बोलते, चित्रंगी फूल बोलते। और है, ये है अर्जुन की छाल। आइए बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला। क्या तकलीफ क्या थी वो? मेरे को छाती में दर्द हो के बहुत बेचैन बेचैन हो गया। हाथ पे और चेहरे पे पसीना बहुत आने लगा, दम बहुत चढ़ता था। इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर बोले हार्ट का है, आप जाके फौरन एडमिट हो जाओ। नवोदया दवाखाने में एडमिट हुआ 9 दिन, वहाँ पर इलाज करवाया। 9 दिन के बाद डिस्चार्ज हुए। आके फिर एंजियोग्राफ कराओ बोल के बोले। एंजियोग्राफ जाने वाले थे हम, हकीम साहब का एडवर्टाइज देखे तो हकीम साहब फोन करे आप मुझे। हाँ फोन हकीम साहब फोन करे एडवर्टाइज देख के। फोन पे बोलने के बाद अर्जुन की छाल और चित्रंगी फूल का काढ़ा बना के सुबह नहार मुँह 2 गिलास पानी में 1 मुट्ठी चित्रंगी फूल। अब वो इस्तेमाल करे। वो इस्तेमाल किया। कितने दिन करे? 12 दिन इस्तेमाल किया उसको। आज 12 दिन हुए पूरे कंटिन्यू नहार मुँह का इस्तेमाल कर। फायदा क्या हुआ उससे? उससे जो है ना मेरा दम जो चढ़ता था वो बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और 80% दम खत्म हो गया और जो दर्द था मेरे को बेचैनी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। नींद हो रही अब? नींद भी बहुत अच्छी आ रही। और खाना? भूख नहीं लगती थी पहले, अभी खाना भी टाइम टू टाइम भूख लगती है। माशाल्लाह खाना खा रहा हूँ। एंजियोग्राम के वास्ते कितने तो पैसे पूछे थे क्या? नहीं पैसे तो नहीं पूछे थे, खाली वो बीपीएल कार्ड पे हो जाएगा अगर नहीं है तुम्हारे पास तो। ठीक है ठीक है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो एंजियोग्राम के लिए अभी जो है तैयार होने वाले थे तो आपके पास कुछ पैसे लिए जो हम सिखाए आपको फेसबुक पे, जो आप देख के आपको वीडियो आपको भेजे और समझाए करे उसका कुछ चार्ज करे क्या? चार्ज नहीं, कुछ चार्ज नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करे ना? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मेरे माँ बहन गौर से सुन लो ये बात, आपको जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मेरे नंबर्स जो भी मैं बोलता हूँ मेरा प्रोफाइल ओपन कर लो, मेरे नंबर्स पे कॉल करो, आपकी तकलीफ सुनो, आपको उसकी एक रेमेडी बोलते। घर पे बैठ के नियामतों को आप जो है कर लियो, आपके ने एक रुपया भी चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉल फ्लो ज़्यादा रहता, बिजी रहा और एक बार करो, ठीक है ना? आपका काम हम ना सता को जान खाने का, ठीक है? और हमें रेडी हैं आपकी खिदमत करने के वास्ते। आप फ़ोन करो, जब भी आपको इंशाल्लाह कोई भी एक बीमारी के बारे में जानकारी लेना तो मेरी टीम इंशाल्लाह आपको गाइड करती, वो बीमारी के ऊपर क्या करना क्या नहीं करना गाइड करती। आप घर पे बैठ के कर लियो, देखो शिफा आता भी आपको, ठीक है? ये रेमेडीज से अच्छा अच्छे हो जाते। जब रेमेडीज आपको असर नहीं कर रहे तब आप क्या करो, कशायद इधर, तब आप क्या करो, शिफा के बॉटला आप मेरे साथ कैंप में, ये काम भी नहीं मिलते, देखो मैं बोल रहा हूँ इसे लेबल लगा के, मैं किसी डॉक्टर के पास हकीमान के पास इधर उधर काम भी नहीं बेच रहा, बेचने का और इसका मेरा इरादा नहीं है, ये सिर्फ खिदमत के लिए, खिदमत खल्क के लिए। जहाँ भी कैंप लगता वहाँ पे आके आप इंशाल्लाह ले लेके जा सकते, आके लेकर जा सकते ये 5 बाटला इंशाल्लाह। नहीं तो आप जो है ऑनलाइन भी फ़ोन करके मंगा ले सकते इंशाल्लाह। सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है ये इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इसके अंदर बहुत ताकत रखे, कलौंजी के साथ साथ 100 जड़ी बूटियाँ हैं जो सारे बीमारी के लिए इंशाल्लाह काम आता, जो जिस्म के हर एक पार्ट के ऊपर काम करता, आपको पेट के आपके पेट को नरम रखता, आपके सेहत को जो है हमेशा सेहतमंद रखता इंशाल्लाह, आपको बीमार होने नहीं देगा। ये शिफा के बॉटला है इंशाल्लाह, आप ऑनलाइन से मंगा ले सकते हैं। अब जो भी लोग बे औलाद हैं उन्हों क्या करो इंशाल्लाह, ये जो मैं परहेज़ और रेस्ट बतलाता हूँ, जो भी परहेज में बतलाता हूँ, 5 महीने का परहेज रहता, अब 3रा महीना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 5 महीने तक आप स्ट्रिक्ट परहेज करो, गर्म चीज़ें नको खाओ और जो है आप क्या भी वजन काम करो ना को उठाना करना वगैरह 5 महीने तक। क्योंकि देखो ये ट्यूब्स रहते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप थोड़ा देख लो गौर से, ये फिलोपियन ट्यूब्स रहते हैं, समझ में आ रहा? तो ये ट्यूब्स के अंदर से जो है स्पर्म पास होना, कीड़ा पास होना, पास होके सीधा जाके वो एग में एंटर होता, समझ रही? फिलोपियन ट्यूब से सीधा जाके कीड़ा अंडे में एंटर होता,
और ये अंडे में एंटर होने तक बीच में है रुकावटें बहुत आते, क्यों बोले तो गर्मी, औरत के अंदर की गर्मी और कुछ भी हेवी काम करने से कीड़ा यहाँ से यहाँ तक पास नहीं होता, समझ में आ रहा। वो यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद फिर वापस वो जाली में जाना, इतना बड़ा प्रोसेस होता। अगर आप परहेज नहीं करें, कोई गर्म चीज़ खाए तो कीड़ा पास होने तकलीफ होती, समझ में आ रहा। और जो अंडे के अंदर कीड़ा चले जाता तो वो बच्चेदानी में जाके थोड़ा पूरा सेटअप हुए तक एटलीस्ट 5 महीने लगते, तो अब गर्म चीज़ें भी नहीं खाना, नहीं तो अमल चला जाता, ठीक है। तो जो भी मेरे अंडर ट्रीटमेंट में है, कंटिन्यूस 5 महीने तक, ठीक है, स्ट्रिक्ट परहेज करो, गर्म चीज़ों कुछ भी नको खाओ, और जो है रेस्ट करो, मतलब एक सीजरिन की औरत कर सकते ना, छोटा मोटा काम वैसा कर ले सकते, ठीक है। दावतों को जाना, कुछ हेवी वर्क करना, कुछ वजन उठाना, ऐसा कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो इसके ऊपर आप ध्यान दो। और डॉक्टर के पास भी आप चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, 4 या 5वें महीने में जाके चेकअप करा ले सकते आप, घर पे देख के चेक कर लो, ठीक है ना। क्योंकि अब उन्होंने कोई भी दवा दिए फिर चल गया, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि एलोपैथिक और गर्मी चीज़ें कौन से भी नहीं लेना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये हमारे दादी का इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें जो है नहीं बतलाते यूजुअली, मैं मेरे अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये चीज़ें आप लोगों को बता देते, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये रेमेडीज़ बैठ के आप घर पे फॉलो कर लो इंशाल्लाह, नहीं तकलीफ़ हैं बीमारियां हैं तो इंशाल्लाह आके बीमारियों से आप इलाज कर लो, फिर इंशाल्लाह वो बीमारी का इलाज करना, औलाद का बोले सेपरेट में इलाज करके इंशाल्लाह रिजल्ट निकालता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को करनूल, 10 तारीख को महबूब नगर। महबूब नगर में मिलूंगा इंशाल्लाह, जो है सबील नगर, जो है दारुल उलूम मदरसा, महबूब नगर जटचरला हाईवे रोड के पास इंशाल्लाह, ठीक है। 10 तारीख को आ रहा हूँ, फिर 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबस, रिंग रोड। 6 तारीख को बीदर, बीदर में जामिया हाशमिया, दुल्हन दरवाज़ा, चुन्ना भट्टी। 8 तारीख को रायचूर, रायचूर में अलसलामा फंक्शन हॉल। 9 तारीख को करनूल, करनूल में ENR नमस्ते फंक्शन हॉल इंशाल्लाह। और 17 तारीख को मैसूर में मिलूंगा, 18 तारीख को होसूर में मिलूंगा इंशाल्लाह। मैसूर में ओल्ड एज होम, और होसूर में जो है नया है एड्रेस, मैं फेसबुक पे अपडेट कर देता हूँ आप सब लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। मेरा फ़ोन नंबर 9900366495, 7795414139, 8197041411। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।